गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। अभी बजे सुबह के 7:28। हमारा रूटीन शुरू होता है गर्म पानी से। ये कैटल आपने पहले भी देखी होगी हमारे व्लॉग्स में। ये हमारे आरओ वाटर का पानी है। फ्रेंड्स, कल रात सोते सोते बहुत टाइम हो गया था, तो आज हमने यह डिसाइड किया है हम अपना रेस्ट डे लेंगे और अपनी वैन को भी मेंटेन करेंगे। नींबू पानी। Now, time for some tea. दीपक को चाय बनाते हुए देखकर चाय लवर्स के लिए एक कोट याद आया। वो है, हम तुम और एक अदरक वाली चाय, हम तुम और एक अदरक वाली चाय, चाय दुनिया भाड़ में जाए। अब दिखाते हैं आपको हम बाहर हम कहाँ सो रहे थे कल। दिस इज द प्लेस। हमें बहुत क्वेरीज आती हैं कि आप कैसे पार्किंग में नाइट स्टे करते हैं, तो ये है एक परफेक्ट एग्जांपल। यह एक गेटेड प्राइवेट पार्किंग है जो चारों तरफ से कवर्ड है और यहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अवेलेबल है। हालांकि हम एग्री करते हैं कि इसको हम फॉरेन कंट्रीज़ के कैंप ग्राउंड से कंपेयर नहीं कर सकते, पर स्टिल हमारे लिए यह बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारी हर सुबह एक नई जगह और नए लोगों के साथ होती है। गुड मॉर्निंग। हमको लाइट कनेक्शन दे दिया है। ये मैंने शोर लाइट का पॉइंट लगा दिया। ये वायर गया सीधे। रूम के अंदर में अभी सफाई चल रही है, तो सारा सामान निकाला जा रहा है पूरा। तो मेंटेनिंग अ वैन इज सिमिलर टू मेंटेनिंग लाइक ए होम। जैसे घर को मेंटेन करते हैं वैसे ही आपको वैन को भी मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज छोटा रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है जो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तभी बहुत ही बुरी हालत दिख रही होगी आपको गाड़ी की। फ्रेंड्स, इस छोटी सी जगह को साफ करने के लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। एक तो ये ब्रश जो पूरे नुक एंड कॉर्नर से हर चीज गंदगी निकाल के ले आता है, और दूसरा है हमारा ये कार वैक्यूम क्लीनर। ये कार वैक्यूम क्लीनर एक 12 वाट वाला है जिसको आप डायरेक्टली अपने सिगरेट लाइटर वाले जो पोर्ट होता है उसमें लगा देते हैं हम। फ्रेंड्स, आपने हमारे वैन बिल्ड वीडियो में देखा ही होगा कि हमारे कार की जो बैटरी है वो यहाँ लगी हुई है 12 वोल्ट वाली। वैन लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जर्नी के टाइम पे लॉन्ड्री कैसे करते हो, तो हमारे पास है ये DMR मिनी वॉशिंग मशीन। तो ये इसका स्पिन वाला हम अभी बाहर निकाल देंगे। वाटर फिल, तो ये आधा टब हमने भर लिया है इसका। अभी तो मोटर ऑफ करते हैं और हम इसे लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं, बिकॉज एक तो इसमें झाग कम होता है और पानी कम लगेगा। ये
ये है हमारे क्लोथ्स। टाइमर लगा दिया है इसमें हमने 5 मिनट, तब तक ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं जब तक कपड़े धुले के हमारे। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं? ब्रेड ऑमलेट। तुम बनाओगे? और ये हमारे साथ साथ कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। एक तो क्या है नहीं, ब्रेकफास्ट रेडी। कपड़े धुलने रख दिए, साथ में कपड़े धुल रहे हैं, ब्रेकफास्ट बन गया है। लो जी मैडम, तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। कपड़े हो गए हैं वॉश, अब इसका पानी का आउटलेट यहाँ से है। इस पानी को इसमें निकाल लेते हैं ताकि बाद में हम पोछा लगा लेंगे इसी पानी से, पोछे को वॉश कर लेंगे ना। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि केवल हमारे पास 150 लीटर का वाटर टैंक है एंड वाटर इज अ प्रीमियम, इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अभी हमने कपड़े वॉश करे उसका पानी हम अगेन विल यूज फॉर अपना ये पोछा वगैरह धोने के काम में, फ्लोर क्लीनिंग के काम में यूज हो जाएगा। तो अभी एक बार हमने गंदा वाला पानी निकाल दिया है और फिर से अभी क्लीन वाटर में इसको रिंस कर लेंगे। तो ये रिंस हो गए हैं कपड़े हमारे और इस पानी को भी हम इसमें निकाल लेंगे। तो अब ये ऑलमोस्ट क्लीन वाटर बाहर निकल रहा है। तो अब टाइम है इन कपड़ों को स्पिन ड्राई करने का। तो इसके लिए हमको अब इसमें ये स्पिन टब लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारी स्पिन बास्केट। तो अभी इसमें हम क्लोथ्स डालते हैं। सारे क्लोथ एक साथ नहीं डाल पाएंगे बिकॉज ये छोटी बास्केट है, तो हम दो बार करके इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये हमारे कपड़े स्पिन हो गए हैं और अभी हम इसको यहीं पे हैंग कर देते हैं। हमारे ऊपर जो ये आपको स्काईलाइट दिख रही होगी, इसको हम इसलिए ओपन रखते हैं क्योंकि यहाँ से पूरी धूप अंदर आती है, हमारा वॉशरूम भी सूख जाता है और यहाँ टंगे हुए कपड़े भी सूख जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से या जिस दिन भी हम एक फुल डे ब्रेक लेते हैं अपने कपड़े धो लेते हैं हम। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, वैन ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है। सोच रहे थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाए, बाकी लंच की तैयारी आने के बाद करेंगे। रामनगर की भीड़
जामनगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध शहर है, जहां कला और शिल्प के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। यह फेमस है अपनी बांधनी फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरी, काजल और सिल्वरवेयर के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जामनगर के मार्केट में जाएं और कुछ शॉपिंग ना करें। तो हम मार्केट से आ गए हैं घर वापस इस छोटे से घर में। बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लिए राजमा और राइस। फिर इसका मसाला तैयार कर दिया है और ये चलो लंच इज रेडी। तो फ्रेंड्स, आज का लंच हमारा राजमा, राइस, ये तुम्हारा है, और थोड़ा सैलेड। कर्ड बाद में खाएंगे, ठीक है? यस, ओके। सो गाइस, लंच हो गया है। फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई प्रॉब्लम आ गई है। हमारे आरओ ने काम करना बंद कर दिया है, तो लेट्स सी अगर उसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, वरना फिर इसको हम दिखाएंगे किसी को। देखने में पता चला कि इसके चार्जर में करंट नहीं आ रहा है, तो उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखते कुछ हो जाए, अदरवाइज फिर मार्केट जाके इसको ठीक कराते हैं। इसके अंदर पानी चला गया है, तो फाइनली ये तो खराब हो गया है। इसमें ये 24 वाट और 2 रुपये तक का चलता है, तो हमारी गाड़ी में 24 वॉट की पूरी फिटिंग हो रखी है। तो विल ट्राई कि अगर इसको काट करके डायरेक्टली मैं ये वाला जैक 24 वॉट की बैटरी से दे दूं, तो क्या पता चल जाए। फ्रेंड्स, ये दोनों तार को इधर से निकाल के ये मैंने पंखे के साथ ऐड कर दिया है। ये पंखे की जो लाइन आ रखी थी 12 वॉल्ट वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ से होती हुई जा रही है इधर। ये इसका स्विच है, ये स्विच ऑन करेंगे फैन भी चल गया और हमारा आरओ भी चल गया। प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। थैंकफुली हमारा आरओ ठीक हो गया है, अदरवाइज अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमको। फाइनली वर्क फिनिश्ड। आज हमारे पास एक गेस्ट है। आई एम फ्रीडा एंड आई एम फ्रॉम जामनगर एंड मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल लॉग। एंड रुचि मैम एंड दीपक सर मेरे गेस्ट है, एंड अभी हम लोग जामनगर में ही है, एंड आज की पार्टी इनकी तरफ से हो रही है। एब्सोल्युटली, सो वी आर एंजॉयिंग। फ्रेंड्स, आपने लास्ट इन्नी का देखा ही था कि द वे फ्रीडा और जामनगर के लोगों ने हमारा वेलकम किया था। We are really honored. I am thankful to both of you guys, Ruchi ma'am and Deepak sir. We are also so, thankful to you. So, ma'am, इन लोगों ने हमारा जो invitation accept किया and ये आए, that's a big thing and I am so glad, you know. Thank you so much. Thank you. आशा है कि आपको यह vlog पसंद आया होगा। Please like, share and subscribe और हमको Instagram और Facebook पर भी follow करें। जल्द ही मिलते हैं कुछ और वैन लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।